लोकसभा में जितने वोट मिले से उससे ज्यादा वोट लेकर चौधरी सोमवीर सिंह को यहाँ से गांव से जिता कर निकालेंगे। माहौल बढ़िया है, कांग्रेस का माहौल है और कम से कम 70-75 सीट कांग्रेस की निकलेंगी। लोगों ने इस बात के लिए मन बना रखा है आने वाले समय के अंदर बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लेके आना है। 3 दिन से बाबू जी के साथ हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा कोई काम नहीं देखा जिसमें कोई अड़का प्रोग्राम हो। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम बलाली गांव में खड़े हैं। ये बलाली गांव ऐसा ऐतिहासिक गांव है कि इस गांव को हिंदुस्तान के हर गांव हर घर तक जो जानते हैं लोग, अमेरिका से यूरोप तक की हर कंट्री में बलाली गांव के चर्चे हैं, क्योंकि इस गांव की बेटी गीता, बबीता, संगीता, विनेश या महावीर फोगाट, सबको लोग स्टार के तौर पर जानते हैं। दंगल जैसी फिल्में उन पर बनती हैं और उस गांव में कांग्रेस के कैंडिडेट सोमवीर सिंह पहुंचे हैं। आज ये गांव बड़ा चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ की बेटी अब जुलाना से भी चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे, विनेश फोगाट के गांव में पहुंचे और इतना बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया था। ये गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव है, क्या कुछ माहौल दिखाया? माहौल की जहाँ तक बात है, आप लोग देख रहे हो कि भाई मुझे मेरे को घूमते हुए 3 दिन हो गए। जितना उत्साह यहाँ के लोगों में है, जितना जोश है और जितना मेरे को सहयोग मिल रहा है, मैंने कभी जिंदगी उम्मीद में सोचा नहीं था कि भाई इतना लोगों में उत्साह सहयोग मुझे देंगे। और जहाँ तक फोगाट परिवार की बात है, कुछ बहनों ने मेडल लिए हैं और बात इनाम लिए हैं, हिंदुस्तान का नाम ऊँचा किया है। तो आप देखते हो भाई जिस तरह से इस सरकार ने जो व्यवहार उनके साथ किया है, लोग उस बात के आज मन में है और वोट देते टाइम इस बात को जरूर सोचेंगे कि भाई जो लड़कियों के साथ बदतमीजी की है सरकार की तरफ से, उसका बदला जरूर लेंगे। ये इस तरह की बात। अच्छा, आपको बता दें बारिश पड़ रही है और लोग डटे हुए हैं, दिखा दें एक बार कैमरे से। ये देखो, ये सोमवीर सिंह का, ये आने वाले किसी भी मेहमान का प्यार है या कांग्रेस के लिए प्यार है, लेकिन बारिश में भी लोग आपको सुन रहे हैं। लोगों ने इस बात के लिए मन बना रखा है आने वाले समय के अंदर बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लेके आना है। तो आज जिस तरह जैसे मौसम चाहे कैसा हो, लोगों में खूब उत्साह है। इनको देख के, उनका उत्साह को देख के मुझे भी ताकत मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, मैं पूरा भरोसा भी है कि भाई ये तो खुद कहते हैं कि दोबारा आने की जरूरत नहीं, हम अपने आप अपने एरिए को अपने गाँव को संभालेंगे और अच्छे वोटों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार लाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका मिलेगा और इलाके के अंदर पहले भी काम किए थे, स्टेडियम बनाए हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दिया है, खिलाड़ियों को नौकरियां दिए हैं, खिलाड़ियों को इनाम दिए हैं और पूरी इज्जत की है। अभी भी उसी बात को देखते हुए यहाँ पर अपने विनेश फोगाट को दुलाना से टिकट दिया ताकि खिलाड़ियों की जो समस्याएं उनको, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, पहले भी जिस तरह संदीप यहाँ पर था मिनिस्टर, लेकिन जो उसने करतूत की, उस करतूतों को सरकार ने तो सजा नहीं दी, लेकिन अब लोग उस सजा को जरूर सजा देंगे और विनेश फोगाट को हम उम्मीद करते हैं खेल मंत्री बनाना चाहिए ताकि खिलाड़ियों की समस्याओं को अच्छी तरह समझती है और ताकि हल की जा सके, किसी बहन बेटी के साथ वैसा व्यवहार न हो जो उसने खुद भुगते हैं। आपने कहा हुड्डा साहब आपके खास दोस्त हैं, तो बाढ़ा के विकास की बातें सीएम वो कह रहे हैं आप बनेंगे आने वाले वक्त में, सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो बाढ़ा के तो यूँ कहेंगे घीमा उंगलियाँ रहेंगी सारी। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोग मुझे मौका देंगे, 100% जिस तरह की लोगों की इच्छा है और सरकार 100% बननी है, हुड्डा साहब से जैसे मेरे बहुत पुराने संबंध है, काम की जहाँ तक बात है, तो मैं जिस भी पहले भी लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, और उसे अलग ही काम करवाएं, तो यहाँ पर भी जिस जो जो समस्याएं हैं, कहीं पानी भरने की समस्या है, कहीं दूसरी बच्चों को रोजगार की बात है, किसानों को फसल के भाव देने की बात है, ये एरिया सरसों का एरिया है, हम कोशिश करेंगे कि भाई सरसों का कोई ना कोई, जैसे चाहे प्राइवेट उद्योगपति यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाए, उनको कोई कंसेशन दिया जाए, ये इस तरह की बातें होंगी, तो बच्चों के रोजगार के बारे में जरूर सोचेंगे और करवाएंगे। कांग्रेस का सोमवीर सिंह का क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, और हमारा तो हुड्डा साहब ने, मैं चेयरमैन था पंचायत समिति का, 2005 से 2010 4-5 करोड़ के अड्डे को प्रायोरिटिया बनवा रखी है, पानी का प्रबंध करा 5 किलोमीटर तक और बिजली का प्रबंध करा, और हमारा गाँव में अच्छे खिलाड़ी हैं और बढ़िया प्रबंध है। मैं 3 दिन से बाबू जी के साथ हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा कोई काम नहीं देखा जिसमें कोई अड़का प्रोग्राम हो।
हमारे गांव में तो पहले भी 70-75% वोट थे और आज भी इतने देख रहे हैं। 70 बढ़ रहा है, बारी वाला टैग फेल कर देगा ना? कोई बारी वाला नहीं, कांग्रेस की सरकार बन रही है पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, 70 से ऊपर सीट आएंगी, कोई बारी बुरी नहीं। हमारा पड़ोस का है, हमारा बाढ़ का आदमी न्यू देखते हैं, अभी ये काम करनी है, हर सरकार जो ठीक काम करनी है ना उसके साथ रहेंगे, कहीं भी कोई भी नहीं। और हमारे गांव से भी नेस फोगाट लड़ रही है, हमारा गांव के भी काफ़ी आदमी 10-10, 20-20 वहां जाते हैं, उसके भी पूरी मदद कर रहे हैं, और जो भी ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम भी 36 के करीब गाँव बाबू जी पास लकड़ जाएंगे। मैं देख रहा हूँ एक दो गाँव में हमको मौत हो गई थी, लगभग सारा गाँव में बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। क्या रहेगा, किस गाँव? यहीं से? हाँ, यहीं से। माहौल माहौल बढ़िया है, कांग्रेस का माहौल है, और कम से कम 70-75 सीट कांग्रेस की निकलेंगी। सोमवीर सिंह की सच्चाई ईमानदारी की बात की जाती है, बोला ईमानदार आदमी, ईमानदार नेता है, तो ऐसे नेता आएंगे तो ईमानदार है, जब भी तो टिकट दिया है इनको, और विकास किया है, लुआ रूम भी किया है, बाड़ा भी करेंगे। ठीक है जी, तो बाड़ा की उम्मीदें बन गई। पूरा हरियाणा ठेका दिल्या कोनी, मरे गाँव से ऐसा है जी, हमारे गाँव से लोकसभा में जितने वोट मिले से उससे ज़्यादा वोट लेकर चौधरी सोमवीर सिंह को यहाँ से गांव से जिता कर निकालेंगे। इक्यानवे साल को लिया दौड़ कर रोज आने करके और पच को लग गया तो मेरे दाई को इसी गांव के बिल्कुल फाइन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। जो ज्यादा है ज्यादा वोट आऊँ। अच्छा, हाँ जी। विनेश फोगाट हमारे इस गांव की बेटी है, जब वो जीत कर आई थी नू, मैंने यहाँ, मैं इस माइक के ऊपर था और कोऑर्डिनेटर था, और मैंने यहाँ इस गांव की बेटी और बच्चियों को ये कहा था, तुम टुग्गे पे ही खेलते हो कोड़ीगंजे से, एक दिन वो आएगा कि तुम सोने के मेडल से यहाँ खेलेंगे। आज मेरी वो बेटी विनेश, जिसका मैं ताऊजी लगता हूँ साइड के गाँव से, मैं भी एक रेसलर रहा हूँ, सतपाल सांगवान फ्रॉम इंडियन नेवी, अवार्डेड मेडल इन 1984 इंदिरा गांधी राइट्स। अब विनेश सांगवान के लिए दो दिन मैंने वहाँ बिताए हैं, जींद और नारनौद के हल्के के बीच में राम राय गांव के पास एक हमारा छोटा सा गांव है बगनाड़ा, जिसमें 384 वोट का एक बूथ है, प्योर सांगवान है, 380 वोट की कसम है वहाँ। ऐसी है हमारी सोने जैसी बेटी विनेश फोगाट। लग रहा है माहौल है कि कांग्रेस का तो जाली है, कांग्रेस जीतेगी जी, कांग्रेस जीतेगी। हां जी, रखपति लठ मार की जितावे कति 100% वोटा तक। अच्छा। बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? बीजेपी से दुखी हो? कांग्रेस ने काम ही ऐसे किए हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। चलिए, फिलहाल बारिश का समय था, फिर भी नेताजी पहुंच रहे हैं, सब पसीने में तरबतर हैं, लेकिन गाँव के चौक में वेलकम करने के लिए ग्रामीण जरूर निकलते हैं, कोई भी नेता पहुंचता है। आने वाले वक्त में बाड़ा की चौधर किसके हिस्से जाएगी, ये सब आप कमेंट में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।